अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आसिम और वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल गार्डनिंग ट्रिक्स एंड लॉट मोर पर। आज का हमारा टॉपिक हाउ टू रिपोर्ट एन एलोवेरा प्लांट है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि हम एलोवेरा को रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मेरा एलोवेरा प्लांट बहुत ज़्यादा मिकदार में पप्स भी दे रहा है और इसके पप्स इसके बहुत ज़्यादा बड़े लीव्स की वजह से डैमेज भी होना शुरू हो गए हैं। अगर हम इनको अब रिपोर्ट नहीं करते तो हमारी ये नीचे जो पप्स ग्रो हो रहे हैं ये नीचे ही मर जाएंगे, क्योंकि इसको इतनी बड़ी जगह तो मिली नहीं हुई कि ये अपने पप्स को अच्छी जगह दे सके। तो इसीलिए हम इसको बड़े पॉट में शिफ्ट भी करेंगे और इसके पप्स को भी अलग-अलग सेपरेट करके शिफ्ट कर देंगे। तो चलें फिर इनको हम सेपरेट करते हैं। एलोवेरा प्लांट एक सकुलेंट प्लांट भी है और एलोवेरा की जितनी मर्ज़ी अगर आप रूट्स काट देते हैं तब भी ये अपनी ग्रोथ को बहुत अच्छे से बढ़ाना जानता है और बहुत अच्छे से अपनी ग्रोथ को बढ़ा भी लेता है। तो अब हम इसकी रूट प्रोनिंग भी करेंगे और उसके साथ साथ इसको हम रिपोर्ट भी करेंगे और इसके जितने भी पप्स हैं उनको हम सेपरेट भी करेंगे। तो चलें फिर इनको हम सेपरेट करना स्टार्ट करते हैं। एलोवेरा के लिए कोई सीज़न वगैरह तो रिक्वायर्ड नहीं होता, किसी भी सीज़न में आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये देखिए इसके नीचे जितने भी इस तरह से ख़राब पत्ते हों उनको आप खींच कर उतार दीजिए या फिर किसी चीज़ की मदद से कट कर दीजिए। ये जिस तरह से मैं इनको कट कर रहा हूँ तो इस तरह से आप कट कर दिया करें। ये देखिए मैं पहले भी इनके कई सारे ये कट करता रहा हूँ तो अब ये यहाँ पर इस तरह से हैं। तो अब हमें इसकी क्लीनिंग भी करेंगे और इसके पप्स को भी हम बाहर निकालेंगे। तो रिपोर्टिंग से एक दिन पहले आप इसको पानी देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये देखिए इसकी मिट्टी काफ़ी हद तक अब ड्राई हो चुकी है। तो अब आप इसकी मिट्टी को इस तरह से हल्का सा हिलाएंगे तो इसके पप्स बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो ये सारे के सारे जितने भी हैं उनको कुछ इस तरह से रूट्स काट काट कर बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया है मैंने। और आप भी इस तरह से सब के सब एलोवेरा की रूट्स को कट करके उनको बाहर निकाल दीजिए। तो चलें फिर मैं मदर प्लांट और सारे के सारे छोटे पप्स को भी बाहर निकाल लूँ, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। लीजिए जनाब, तकरीबन 15 से 20 मिनट की मेहनत के बाद हमारे ये पप्स भी आ गए हैं बाहर और उसके साथ साथ हमारा मदर प्लांट भी बहुत मुश्किल से बाहर आ चुका है। पॉट के अंदर डायरेक्ट रूट बॉल उसका बाहर नहीं आ सका तो मैंने उसको काफ़ी ज़ोर आजमाई भी की और ये हमारा प्लांट बाहर आ गया। तो चलें फिर इसकी क्लोज़र लुक मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी जो रूट्स वगैरह हैं इनके ऊपर से फ़िलहाल ठीक ग्रोथ कर रही हैं, बट ये जो नीचे वाली रूट्स हैं वो ओल्ड हो चुकी हैं और ये देखिए इसकी बिल्कुल भी केयर नहीं की गई और उसके साथ साथ इसके नीचे रूट में फंगस लगना शुरू हो चुका है। ये देखिए इसकी रूट्स में फंगस लगना स्टार्ट हो चुका है। तो ये इस तरह से इसकी रूट्स ख़राब हो सकती हैं और ये हमारा पूरा प्लांट भी मर सकता है अगर रूट में फंगस लग जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये फंगस बढ़ता हुआ ऊपर तक चला जाएगा, फिर आपका प्लांट डेड हो सकता है। तो अब हम इसकी तकरीबन सारी की सारी ही रूट्स को काट देंगे, बस कुछ रूट्स को छोड़ेंगे। और उससे पहले हम इसके ऊपर वाला ये जो हमने पत्ते पहले उतारे थे उनको उतार लेंगे जो कि नीचे काफ़ी ख़राब लुक भी दे रहे थे। तो इस तरह से हम इस सारे के सारे कट करके उतार लेंगे। तो अब ये हमारा काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है। बाकी ये वाला जो लीफ है ये भी काफ़ी हमें ख़राब लग रहा है, इसको भी हम उतार देते हैं। तो कुछ इस तरह से हम इसको भी कटिंग के बाद उतार देंगे। जो नर्सरी में बड़े प्लांट्स आपको नज़र आते हैं वो यहाँ से
उनकी रूट्स को काट देते हैं, वो नीचे वाला सारा रूट बाउल उधर जाता है और सिर्फ ये वाला एरिया गमले के अंदर लगा होता है जो कि बहुत छोटा गमला होता है। तो जो भी ख़रीदने वाले इसको ख़रीदने लगते हैं वो कहते हैं वाह, एक छोटे से गमले में इतना बड़ा पौधा लगा हुआ है, तो वो फ़ौरन से ख़रीद लेते हैं। और जब वो घर पहुँचते हैं तब वो उनसे केयर नहीं हो पाती और उनका प्लांट मर भी सकता है, लेकिन कुछ लोगों से वो बच भी जाता है। तो इसीलिए हमेशा छोटे लीजिए, छोटे जो पप्स होते हैं ये ख़रीदेंगे तो ये बाद में जब बड़े हो जाएंगे तब आपके साथ लंबा अरसा गुजार सकेंगे ये, और एक प्लांट से आप कई सारे प्लांट बना सकते हैं। तो ये जितने भी आपको ये ब्लैक कलर की रूट्स नज़र आ रही हैं, इनमें जो भी आपको नरम रूट दिखे, जिसको आपको लग रहा हो कि फंगस लग रहा है, ये देखिए जहाँ पर आपको लग रहा हो कि फंगस एक्टिव हो रहा है वहाँ से आप इनकी रूट्स को उतार दीजिए। तो अब काफ़ी सारी मैं रूट्स को कट भी कर दूंगा। ये नीचे वाला जो ट्रंक एरिया रूट का, यानी कि टैप रूट जिसको कहते हैं, इसको भी हम काट देंगे यहाँ से। तो चलें फिर इसको यहाँ से आप कट कर दीजिए। चलें फिर मैं कट कर लूँ, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। लीजिए जनाब, अब हमने इसके ये नीचे वाला एरिया सारा का सारा कट कर दिया हुआ है, और इसका ये नीचे वाला एरिया ये है। अगर आप इसको वॉश करके ये वाला फंगस वाला एरिया इतना सा कट करके बाकी आप इसको सादे पॉट में लगा देते हैं तो ये यहीं से ही ग्रोथ को स्टार्ट कर लेगा और साइड पर पप्स निकाल सकता है ये, लेकिन मैं इसको ग्रो करने वाला नहीं हूँ। तो अब ये हमारा प्लांट नीचे से खाली हो चुका है। चाहे तो आप एक रात के लिए यानी कि 24 घंटे के लिए इसको आप इसी तरह से ही शेडी एरिया में रख दीजिए, ये वाला एरिया खुश्क हो जाएगा, उसके बाद फिर आप इसको प्लांट कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही प्लांट कर दूंगा। यहाँ पे आप सिनेमन पाउडर लगा लीजिएगा, बट मैं वैसे का वैसे ही इसको ग्रो कर लूँगा, क्योंकि अगर आप इसमें शुरू के दिनों में भी ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो ये वाले एरिया को ज़्यादा फंगस लग सकता है। लेकिन मैं शुरू के कुछ दिनों में बहुत ही कम इसको पानी दूंगा, सिर्फ पहली मरतबा आपने अच्छे से पानी देना है इसको, अगर आप इस पर कोई सिनेमन पाउडर या कुछ और नहीं लगा रहे तो। तो अब इसको हम इस एरिया तक मिट्टी के अंदर दबा देंगे। तो बाकी अब पप्स पे बात कर लेते हैं। इसको हम एक साइड पर रखते हैं, ये काफ़ी हैवी वेट है और काफ़ी बड़ा है, ये देखिए ये मेरे बाजू से भी काफ़ी बड़ा है। बाकी जो इसके पप्स हैं, इसके साइड पर जितने भी ये ख़राब पत्ते हैं जो कि नीचे आने की वजह से ख़राब हो गए हैं, इनको आप रिमूव कर दीजिए। बाकी जो पत्ते दरमियान वाले हैं और वो ख़राब हुए हैं उनको आप हाफ़ कट दे दीजिए। तो ये जैसे जैसे फिर ये हमारा प्लांट ग्रो होगा वैसे वैसे फिर ये अपने पत्तों को अच्छे से डिवेलप भी कर लेगा और ये बहुत अच्छे से ग्रोइंग भी स्टार्ट कर देगा। ये उसकी टैप रूट थी, यानी कि इस प्लांट की ये टैप रूट है जो कि बड़े प्लांट की नीचे से ये जो मोटी रूट्स हैं इन्हीं के आगे से ही ग्रो होकर एक न्यू प्लांट बन जाता है। तो इसी तरह से ही आपके न्यू प्लांट्स ग्रोथ में आते हैं। इसीलिए मैंने इस वाले की काफ़ी सारी ये जो यंगर मोटी रूट्स हैं थी इनको मैंने इसलिए प्रून नहीं किया, वरना मैं सब की सब प्रून कर देता। तो इसको भी आप अच्छे तरीके से सारे जितने भी आपके ये पप्स वगैरह हैं इनको आप क्लीन कर लीजिए। चलें फिर मैं भी क्लीन कर लेता हूँ, फिर आपके साथ मैं भी शेयर करता हूँ। लीजिए जनाब, अब हमने सारे के सारे इसके जितने भी ख़राब पत्ते थे उन सब के सबको कट कर दिया हुआ है और अब ये अपनी न्यू ग्रोथ को स्टार्ट करेंगे अपने न्यू एरिया पर। तो चलें फिर हम इनको इनके न्यू एरिया पर लगा देते हैं। लीजिए जनाब, अब उनको शिफ्ट करने से पहले मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ कि ये किस तरह से अपने नीचे से ये छोटे छोटे पप्स को निकालता रहता है। ये मदर प्लांट है जो कि नीचे नीचे से अपने छोटे छोटे पप्स को निकाल रहा है अपनी रूट्स के साथ ही बिल्कुल। ये देखिए ये येलो रूट है, इसके आगे से अब इसका पप निकल आएगा। तो इस तरह से ये नीचे से कई सारे पप्स निकालता रहता है। ये मेरा दूसरा एलोवेरा है जो कि अब ये अपने पप्स भी निकाल रहा था, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँ कि इस तरह से ये पप निकाल रहा है। अब मैं इसको अपने
जो बड़ा एलोवेरा है उसके साथ इस वाले छोटे एलोवेरा को भी शिफ्ट कर दूंगा। तो चलें फिर इनको हम शिफ्ट करते हैं, मैं शिफ्ट कर लूँ फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। लीजिए जनाब, अब मैंने इनको इस प्लास्टिक क्रेट के अंदर, जिसके अंदर मैंने शॉपर लगा दिया था, उससे के अंदर मैंने इन दोनों को शिफ्ट कर दिया हुआ है। इसका एक छोटा सा बेबी पप भी था, अगर हम इसको सेपरेट कर देते तो हो सकता था कि ये हमारा ना सर्वाइव कर पाता, इसलिए मैंने इसको मदर प्लांट के साथ ही रहने दिया और उसकी रूट्स नहीं तोड़ी और साथ ही मैंने इसको ग्रो कर दिया। और अब ये हमारा बड़ा और छोटा प्लांट दोनों साथ में हो चुके हैं, और इनका एक का रुख मैंने सामने की तरफ ही किया है और एक का रुख मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया हुआ है, जो कि थोड़ा सा इस तरफ से आ रहा है। तो ये मैंने खुद ही ऐसे किया है, इससे ये है कि फ़िलहाल ये उस तरफ रहेगा और जैसे जैसे फिर इसको पता चलेगा कि इसने कहाँ को रुख करना है, फिर ये वैसे वैसे सीधा होना शुरू हो जाएगा। जहाँ से इसको सनलाइट मिलेगी वैसे वैसे फिर ये इस तरह से खिल कर सामने को आ जाएगा। तो अब ये हमारा बिल्कुल ठीक तरह से लग चुका है। तो आप भी थोड़ी सी इसकी डायरेक्शन चेंज करके लगाइएगा, क्योंकि अभी आप ये देख सकते हैं कि इसके पत्ते नीचे वाले जो हैं काफ़ी सारे ढीले हैं, तो जब आप इनको डी शेप करके लगा देंगे तो फिर ये खुद ब खुद शेप में आ जाएगा। तो अब हमने इसको इसमें लगा दिया है, और अब छोटे प्लांट्स को भी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इनको कैसे शिफ्ट किया है। लीजिए जनाब, ये हमारे ये छोटे प्लांट्स हैं जिनको हमने छोटे जूस वाले कप्स के अंदर ग्रो कर दिया हुआ है, और ये हमारे सारे के सारे प्लांट्स अब इसके अंदर हमने ग्रो कर दिए, और पीछे वो बड़े प्लांट्स। तो अब हम इनको पहली मर्तबा में अच्छे से पानी देंगे, और उसके बाद जब आपको ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई फील हो तब ही आपने पानी देना, उसके अलावा आपने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं देना, वरना आपके जो प्लांट्स हैं वो गल जाएंगे और उनके मरने का ख़तरा भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रांसप्लांटिंग बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर हाँ तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अगली वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।